दिस इज वी हैव फिनिश्ड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस, है ना. हाउ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, इन व्हाट फॉर्म दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, एंड व्हाट आर द स्पेशल फैक्टर्स दैट विच आर अलाउइंग द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड फर्दर इट्स डिसोसिएशन, है ना. डिसोसिएशन किस वजह से होती है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन किस वजह से होती है बताओ. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो एक फैक्टर है ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन का सिग्नलाइज होगा, ठीक है. लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के बढ़ने के बाद, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ने के बाद क्या चेंज आता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन रियली डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे बन जाता है, क्रिएट होता है एक हब ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, दैट इनिशियलाइजेस द ब्रेकिंग डाउन और डिसोसिएटिंग ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स, ठीक है. वहां एच बी और ओ टू अलग अलग हो गए, यहाँ पे अब एच बी वेला है, कल्ला है, और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के ले जाएगा. एंड दैट इज ओनली अप्रोक्सीमेटली 20 to 23%, ठीक है. 20 to 23% की वैल्यूज है जिसमें आरबीसी इज कंडक्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, डन. सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल्सो ये वाले टॉपिक्स भी आपकी एनसीईआरटी में डिटेल्स में ज्यादा नहीं, ठीक है. फॉर दिस ऑल्सो आई विल सेंड यू द पीडीएफ, राइट. आई विल सी फॉर दीज ऑल्सो वेयर देर आर पॉइंट्स गिवन एज सच की कौन कहाँ से कितना ट्रांसपोर्ट होता है. सो पूरे टॉपिक का मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगी, आप उसमें से लर्न करेंगे, ठीक है. एनसीईआरटी रीड कर लेना, बट स्टिल उसको हम आगे लर्न करेंगे, ठीक है. ओके, नाउ इज द कंट्रोलिंग ऑफ दिस रेस्पिरेशन, ठीक है. रेस्पिरेशन रेगुलेशन या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन लिख दो. सो हाउ दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस इज बींग रेगुलेटेड और हाउ इट इज बींग कंट्रोल्ड. हमने बोला हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कभी हम फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल करते हैं, कभी हम नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते हैं. What actually the conditions are there that which are helping us to have the normal respiration or have the signalized more of the inhalation or more of the exhalation? ठीक है, कुछ conditions ही prevail करती है ना हमारी body में. मैंने क्या बोला था तब आपको कि कभी हम लोग को oxygen का deficiency feel होता है तो we feel like कि हमें oxygen ज्यादा लेना है ना, and we inhale large inhalations हमारी होती हैं comparatively normal से, forceful inhalations होती हैं. और वो जो फोर्सफुल इनहेलेशन है वो कट्ठी भी कई बार सेल्डम 3-4 times हो जाती है ना. सो व्हाट इज एक्चुअली दिस, मतलब ये चीज क्या है, किस वजह से ये सारा सिग्नलाइज हो रहा है, क्या चीजें हमारे को ये बताती हैं, कौन चीज इसको कंट्रोल करके रखी है, किस चीज ने इसको कंट्रोल और रेगुलेट किया हुआ है हमारे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को. दैट इज आवर ब्रेन. ऑफकोर्स ब्रेन इज द बॉडी पार्ट दैट विच कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द वेरियस एक्टिविटीज विद इन द ब्रेन. ऑल्सो यू नो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स like pons is there, medulla oblongata is there, hai na. So pons and medulla oblongata, pons veroli and medulla oblongata, these are the two parts of the hind brain. These are the two parts of the hind brain specially that which allows the regulation of respiration, theek hai. Aapko pata hai brain ke three parts hote hain, forebrain, midbrain and hind brain, ठीक है. हाइंड ब्रेन के आगे थ्री पार्ट्स होते हैं, उनमें से दो पार्ट्स एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेशन सेंटर्स, ठीक है. नाउ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हैज अ स्पेशल सेंटर, वी कॉल इट एज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दैट इज अ स्पेशल सेंटर which is located within the medulla oblongata part of the hind brain. Also there in the pons veroli, pons veroli is another part, there is a pneumotaxic center that which controls the respiration. Pneumotaxic center, theek hai. Ab yahan pe ye bolta hai respiratory rhythm center. Rhythm means what is rhythm here? Rhythm means the opposite processes going together. That is, inhalations opposite is exhalation, exhalations opposite is inhalation. So all together, inhalation and exhalation, that is controlled by the medulla oblongata. This is our involuntary action actually. ठीक है, तो involuntary actions जो हैं वो control होते हैं hind brain से.
ठीक है, ये जो सारे हमारे इन्वॉलंटरी एक्शन है, पोस्चर मेकिंग वगैरह, जैसे हमारा पोस्चर बिल्डअप होता है, समटाइम्स अ पर्सन, अगर आपको बेंड होकर लिखने की बहुत ज्यादा आदत होती है तो आपका पोस्चर ही बेंडिंग बन जाता है ना, तो आप वो बेंड ही रहते हो, आप मतलब यूजुअल सारा काम बेंड होकर करते हो, तो आपकी जो बॉडी बैकबोन होता है वो इसी तरह कर्व ही हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट के टाइम पे ही आप लोगों ने इस तरह की आदतें डाली है ना. जब भी आप लोग ऐसा कुछ करते भी होंगे तो आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि नहीं सीधे होके चला करो, सीधे होके बैठा करो, है ना. क्यों ऐसा? दैट इज ओनली बिकॉज वी गेट टू हैव दोज परमानेंट थिंग्स इन अवर बॉडी देन. ठीक है, सो दैट इज, वो हमारे कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो हमारी कुछ यू कैन से एक्टिविटीज होती हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, राइट. सो इज द एक्टिविटीज ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी. फॉर एग्जांपल इज द रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज ऑल कंट्रोल्ड बाय दिस सेंटर. ठीक है, दैट इज द सेंटर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ लॉन्गेटा एंड दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. डन. ऐसे ही हमारा न्यूमोटेक्सिक सेंटर. न्यूमोटेक्सिक सेंटर क्या है? इसके पास एक स्पेशल सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया. इसी के साथ एसोसिएटेड है, दिस इज कीमो सेंसिटिव एरिया. कीमो सेंसिटिव एरिया विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द न्यूमोटेक्सिक सेंटर. ठीक है, दिस कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो मीन्स केमिकल्स, सेंसिटिव मीन्स दैट इज इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ सिग्नल नाउ, है ना. ये जो अभी आपने फैक्टर्स किए दैट इज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस कंसेंट्रेशन, तो ये वाले फैक्टर्स जो हैं वो इस सेंटर को एक्टिवेट करते हैं. ठीक है, यहां से सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं व्हेन देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन और व्हेन देयर इज अ बॉन्डिंग ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, दिस सेंटर इज एक्चुअली गोइंग टू लोकेट द ड्यूरेशन ऑफ द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वी कैन से. ठीक है, टाइमिंग्स कब इनहेलेशन करना है कब एक्सहेलेशन करना है वो यहां से शुरुआत होगी, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया है ना. यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सेंसिटिव एरिया. सेंसिटिव टू विच केमिकल्स? दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयंस, ये सारे केमिकल्स हैं. ठीक है, अब इन दोनों की कंसेंट्रेशन अगर हाई होती है तो क्या होगा? दैट गोज एंड सिग्नलाइजेस दिस एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया. देयर इट प्रोड्यूसेस विच इफेक्ट? अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? बोहर्स इफेक्ट या हैल्डेन इफेक्ट? बोहर इफेक्ट या हैल्डेन इफेक्ट? बोहर्स इफेक्ट. बोहर्स इफेक्ट क्या था? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना. जब ये बढ़ जाएंगे तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो जानी है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हो जाए, तो यहाँ पे एक्टिवेशन हो गया एंड हेंस इट कोडेड फॉर द बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड नाउ विद द फ्री हीमोग्लोबिन, है ना. तो ये उसने सिग्नलाइज करवाया. कहने का मतलब क्या है? सिंपल, कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन वाला जो फंक्शन है पूरा, वो रेगुलेट किया जाता है बाय द ब्रेन. डन. द ब्रेन इज द सेंटर फ्रॉम वेयर ऑल द सिग्नल्स ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन, द कंप्लीट साइकिल ऑफ द रेस्पिरेशन एंड द ड्यूरेशंस. ड्यूरेशन का मतलब क्या है? ड्यूरेशन का मतलब क्या? व्हेन वी आर टू टेक इन इनहेलेशन फॉर लॉन्ग एंड व्हेन वी आर टू एक्सहेल आउट फॉर लॉन्ग, है ना. इनहेलेशन स्मॉल बिट्स में हो रहा है या इनहेलेशन लॉन्गर टाइम्स में हो रहा है, है ना. सो वो सारी चीजें कौन एक्सप्लेन कर रहा है हमें या कौन एक्सर्ट कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर? दे आर द न्यूमोटेक्सिक सेंटर्स. डन. द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन, रिदमिक एक्शन मेंटेन्ड बाय मिडल ऑफ लॉन्गेटा, दैट इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. वेयर एज द ड्यूरेशन टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्शंस, दे आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूमोटेक्सिक सेंटर. एंड हु इज गोइंग टू सिग्नलाइज अवर बॉडी अकॉर्डिंग टू द केमिकल्स? दैट इज द कीमोसेंसिटिव एरिया just next to the pneumotaxic center in pons veroli. Done. Getting? Okay. So this is about the how respiration is being regulated. This is a small little paragraph in your NCERTs. It's a complete paragraph. You can learn it from there only. The one topic which is not complete in your this chapter, that is of transportation. That I will explain, right? That I will give you the PDFs of. Okay? एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, जो पीडीएफ मैं भेजूंगी उसको भी एक बार रीड करना, फिर कोरिलेट करना, फिर आपको शायद थोड़ा ज्यादा आइडिया मिलेगा. ठीक है. ओके, नाउ द लास्ट इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. नोबडी अंडरस्टैंड बाय द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है? मतलब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन, है ना. द बेसिक एंड द मोस्ट कॉमनली नोन इज द एस्थमा. एस्थमा पता है सबको, क्या होता है एस्थमा?
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस नहीं आता है जब, है ना, सो दैट इज द ब्लॉकेजेस वी कैन से, राइट. व्हाई देयर आर द सर्टन ब्लॉकेजेस, द पर्सन स्टार्ट्स वीजिंग, वीजिंग मतलब खींच खींच के सांस लेता है, बहुत मुश्किल से सांस लेता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो इनर टिश्यू है, देखो ये लाइनिंग है, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो ये लाइनिंग है दोनों तरफ खुल जाना है ना, तो वो अंदर वाली साइड पे भी खुल रही है, इधर से भी अंदर वाली साइड, तो अंदर वाला साइड तो ब्लॉक हो गया ना, ब्लॉकेजेस आ गई इन्फ्लेमेशन की वजह से. अब जब सांस लेनी और देनी पड़ रही है तो वो बहुत खींच खींच के लेनी पड़ रही है या देनी पड़ रही है ना, सो दैट इज, इट इज एस्थमिक प्रॉब्लम्स एंड दैट इज एस्थमा. सो एस्थमा क्या है? दैट इज व्हेन देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ, यू कैन राइट डाउन, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ bronchi and bronchioles. This is concerned with difficulty in breathing, which leads to the wheezing in the patient. Wheezing means that is they will be stretching out for the taking in and giving out of the gases. Difficulty in breathing, and the reason for this is due to the inflammation of what? Bronchi and bronchioles. Okay. The respiratory disorders are not only because of the lungs. सिर्फ lungs, lungs की वजह से नहीं होते, उनके parts भी अगर खराब हो जाते हैं तो भी ये सारी problems आ सकती है. Next is emphysema. Emphysema क्या है? Emphysema is again difficulty in breathing, but here the reason is something else, that is the alveoli. जो alveoli air sac है उनमें क्या होता है? What are they meant for? Exchange of gases, है ना? हमने बोला था कि alveolar structure है, एक तो वो सबसे बड़ा structure है, surface area ज्यादा होता है alveoli का, इसलिए वो maximize absorption of the gases and releasing out of the gases वगैरह कर सकता है ना. दूसरा उसके साथ blood vessels का contact है ना, तभी हम alveoli को बोलते हैं ना, these are the sites of exchange of gases. Done. तो यहाँ पे जब एल्वियोलाइज के अंदर डैमेजिंग हो जाती है, एल्वियोलाई के अंदर ही डैमेज हो गया, लेट से उसके अंदर पोर्स हो गए बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड ऑल, ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है. अब इनके अंदर पोर्स क्रिएट हो गए, मतलब ये सरफेस अब यूजफुल नहीं है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, खत्म हो गया काम, वो काम नहीं ना बन पाएगा. एक तो इसका सर्फेस एरिया ज्यादा था, अब वो भी खत्म हो गया, पूरा का पूरा डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे इसमें होल्स हो गए हैं या डैमेज हो गया है, सो दैट इज, इट इज डिक्रीजिंग द सर्फेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Hence again there will be difficulty in breathing. Okay, so that is emphysema. Reasons are different, but the thing is same. That is again difficulty in breathing. But here it is because of difficulty in breathing due to damaging of alveolar walls. Alveoli की जो walls होती हैं, वो damage हो जाती हैं due to damaging of the alveolar walls. Inhalers के साथ वो chemicals जो होते हैं ना, दवाइयां होती हैं, वो जाके उस inflammation को कम कर देती हैं, ease out कर देती हैं. जैसे हमारे कोई भी supposing कोई भी चोट बाहर भी लगती है ना, आप ointments लगाते हो तो वो जो swelling हुई पड़ी होती है वो ठंडी हो जाती है ना, उसी समय बैठ जाती है, ऐसे ही वो है, ठीक है. एंड दे आर फॉर लाइक जो inhalers ये होते हैं, यहाँ जो medications भी साथ साथ में चलती होंगी ना, तो वो जो दी जाती हैं दवाइयां, दैट इज फॉर देयर लॉन्ग, यू कैन से रेजिस्टेंस अगेन, कि एस्थमिक अटैक जो है वो दोबारा फिर से हो, ठीक है. धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन तो होती रहनी है, लेकिन जब वो बिल्कुल सिवियरिटी पे हो जाती है फिर दोबारा इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है. वो चीज खत्म नहीं हो सकती, इट कांट बी ट्रीटेड बट इट कैन बी प्रिवेंटेड फॉर सम टाइम, ठीक है. हाँ जी, ये क्लियर हो गया. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू द डैमेजिंग ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स. And this reduces, ये सारी explanation भी लिख देना साथ में, that is this reduces the total surface area for the exchange of gases. So there is a problem in breathing. Done. This reduces the area for exchange of gases. Now next is occupational disorders. Occupational respiratory disorders. What do you understand by occupational respiratory disorders? Occupational means some occupations are so
दैट दे लीड टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इज माइनिंग, माइनिंग है जैसे खुदाई करते हैं अर्थ के लेयर्स की, है ना, उसमें कितना धूल मिट्टी रहता है. हमें ये नॉर्मल डेज में, ये नॉर्मल में ही हमारे नेजल ब्लॉकेजेस हो ही जाती है ना. इसमें अगर हमें इतनी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे कोई धूल मिट्टी नहीं है हमारे आसपास, है ना, तब भी हम लोग इतना कुछ ना कुछ मतलब सफर करते ही हैं. नेजल क्लीनिंग आप लोग को करनी पड़ती है टू बी फ्रैंक, राइट. सो दैट इज ओनली बिकॉज द डस्ट इज डेली दैट इज ट्रैपिंग विद इन द नेजल चैम्बर्स, डन. बट आफ्टर दैट वॉट, अगर माइनिंग जैसे ऑक्यूपेशन में लोग इन्वॉल्व है, यहाँ जैसे वो जो होता है अपना सॉर्टर्स वाला, सॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं हम उसको, फाइबर्स, जिसमें फाइबर्स करते हैं शीप्स के वूल फाइबर्स वगैरह निकालते हैं, है ना. उनमें भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी उनके वूल फाइबर्स वगैरह निकाले जाते हैं, क्योंकि वो फाइबर्स जो छोटे होते हैं वो इनहेल हो जाते हैं, वो ट्रैप अप हो जाते हैं हमारे नेजल पैसेज में, समटाइम्स दे लीड टू द विद इन ऑफ द लंग्स ऑल्सो. सो अगर अंदर चले गए, इनहेल हो जाए, सॉर्टर्स डिजीज हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. उसमें क्या रहता है कि लोगों की लंग्स जो है वो ब्लॉकेजेस, फिर से एल्वियोलाई वाली जो ब्लॉकेजेस है वो आ जाती है, ठीक है. सो सम ऑफ द ऑक्यूपेशंस आर दैट दे रिजल्ट इनटू द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. कुछ ऐसे वाले ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिनमें इनहेल करने पे हमें डिसऑर्डर्स रेस्पिरेशन के हो सकते हैं. डिसऑर्डर्स अगेन मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डन, ठीक है. सो ऑक्यूपेशंस लाइक दैट ऑफ माइनिंग हो गया, या सॉर्टर्स डिजीज, या कोई और बताओ. हाँ, किसको? हाँ, कनक वगैरह हो गया, मतलब जहां पे पॉलन ग्रेन्स हार्वेस्टिंग भी हो गया, है ना, हार्वेस्टिंग टाइमिंग्स पे भी हो सकता है. अदरवाइज हार्वेस्टिंग का इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा होता है और पर्सन एक दो काम करते हैं. माइनिंग वगैरह में क्या है कि आप बिल्कुल अंदर तक, खदान के अंदर तक चले जाते हो, वहां पे जाके आप वो स्टोन्स को मतलब वो मिट्टी को निकाल रहे हो, निकाल रहे हो, एंड दैट एवरीथिंग इज कमिंग अप टू यू, है ना. तो वो चीजें ज्यादा है, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. ऐसे ही सॉर्टर्स डिजीज में है, ऐसे ही हमारी जो हम फाइबर्स निकालते हैं तो इतने ज्यादा फाइबर्स होते हैं और हम लोग उसको इनहेल इन करते रहते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, डन, ठीक है जी. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओनली थ्री डिसऑर्डर्स आर देयर इन योर एनसीईआरटी, सो यू विल बी डूइंग द थ्री ओनली, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क? हाँ जी. सो टुमारो दैट इज वेडनेसडे यू आर हैविंग योर रिटन टेस्ट, डन. All the students, those who are the offline students, I'll be taking the list today from Sonali ma'am also. The offline students are to be sitting here in the class for the test. Online students will only be given the chance to attempt it from home, right? The online students, they will be only attending this class. You will be getting the two set of the question papers and you will be assigned any set. ठीक है? आपको एक कोई भी set जो है assign किया जाएगा. विल सी, अगर आपकी क्लास में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सो देयर विल बी टू सेट और वन सेट, आई विल सी, आई डिसाइड दैट, ठीक है. सो यू विल बी गिवन द सेट अकॉर्डिंगली, एंड ओनली ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव द पीडीएफ्स, नो ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ओके. ऑफलाइन जितने आप आए हैं, अगर आप घर से टेस्ट देते हैं, आप लोगों की आंसर शीट्स हमारे पास आ भी गई तो हमने चेक नहीं करके दी. इज इट क्लियर? यू आर ओनली टू गिव द टेस्ट हेयर इन दिस क्लास, डन. सो ब्रिंग योर टेस्ट शीट्स ऑल्सो टुमारो or whatever convenient to you. Anything you want to ask? Yes. How much time is there? कितने बजे बेल होती है? Is it at 45 or 50? 50? पक्का? तो 10 मिनट से हम लोग एक्सक्रीशन शुरू कर लेते हैं अभी से. हाँ जी बेटा. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. लेट अस स्टार्ट विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Shall I start? कल टेस्ट होगा, फिर से ब्लॉक हो जाएगा बीच में आपके परसों, थर्सडे. Shall I start with the new chapter? No. No. Excretory products करना है हमने अभी शुरू. मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन अभी टाइम बहुत पड़ा है, कर ही लेते हैं. चल थोड़ा सा सुन लो, 50 तक है पीरियड, 10 मिनट पड़े. ओके, जस्ट लिसन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एंड डायग्राम्स. वी विल स्टार्ट ऑन थर्सडे, ठीक है, बिकॉज टुमारो यू आर हैविंग योर टेस्ट. अगेन आपको भूल जाएगा, नहीं तो हमने क्या क्या किया था.
सो डायग्रामेटिक पोर्शन हम लोग थर्सडे करेंगे, सिर्फ आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट सुन लो. दिस इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, राइट. द नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज ऑफ एक्सक्रीशन. अदरवाइज फ्रॉम द बुक इफ यू विल सी इट इज अ वेरी स्मॉल लिटल चैप्टर, हार्डली ऑफ 7-8 पेजेस, हार्डली लाइक वन पेज ऑन वन साइड इफ आई काउंट वन एंड सेकेंड ऑन सेकेंड साइड, ठीक है. सो हार्डली ऑफ 7-8 पेजेस, और टुगेदर अगर बोले तो 4-5 पेजेस का मसाई चैप्टर है ये. है ये बहुत छोटा, लेकिन इसका एक एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एक चीज बहुत ज्यादा बहुत बार आएगी आपको, हर टेस्ट पे, पेपर में, हर एक में इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी टाइम वी आर गोइंग टू गिव अ न्यू टॉपिक फॉर द टेस्ट, फॉर द पेपर, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है. सो आप लोगों ने इस चैप्टर में पूरा अच्छे से तैयार करना है. सेकेंड थिंग इज दिस चैप्टर इज अगेन each and every concept of this is related with a diagram, right. So from this chapter number 1 you'll be making your assignment notebooks, theek hai. All the diagrams of this chapter are to be made along with the concepts. Agar aap apne liye likhna chahte ho, it is up to you. Otherwise diagrammatic portion iska sara ka sara karna hai. This chapter is full of diagrams, this chapter is full of the concepts, and the concepts are also very new to you. The only one thing which is not new, that is the excretory systems diagram, that you know. What is the excretory system? Actually, starting with the lower organism से हम अगर बात करते, excretion means what? The removal of the waste from the body, right? If we go to the lowermost organisms, that are the single-celled organisms. The single-celled organisms like amoeba and all, they throw their waste through diffusion. Paramecium जैसे single-celled organism के अंदर special structures बने हुए हैं, क्या हैं? They are called as cytobites. For the removal of the waste from the body, cytobites is there. If we go ahead, अगर हम animalia की बात करते हैं, simple अगर हम animalia पे आते हैं, animalias में first group आता है हमारे पास porifera. आप लोगों ने अभी animalia की classification नहीं पढ़ी, kingdom animalia की, but अगर आप 9th में थोड़ा पीछे जाके सोचेंगे तो आपको biodiversity करवाई हुई है, I guess, है ना, करी हुई है 9th में, तो वहां आपको याद होगा kingdom animalia में सबसे पहला phylum कौन सा आता है, porifera. Porifera has the cellular level of organization. It does not have any organs for this excretion. Coming to the next and next, हमारे पास आती हैं platyhelminths. Platyhelminths are the first organisms जहां special structures for the excretion are available, and that are, what are the structures of excretion in platyhelminths? Flame cells. Very nice. So this is the flame cells that which are available in platyhelminths. After platyhelminths are the escalhelminths, nematodes. Nematodes में anus structure जो है वो बन जाता है, ascaris में anus available होता है, ठीक है. But that is for the digested food material का भी removal आता है उसमें. Further excretory organ in nephridia, that is nephridia in the case of the earthworm organisms, that are the annelida members. ये लिख लो क्योंकि ये one word questions में आते हैं. Annelids में, annelida members में there is a structure called as nephridia for the excretion. For example, earthworms, right? Then are the arthropods. Arthropods mein kya hota hai? Hanji, antennal cells. Kya hota hai? Malpighian tubules. Green cells bhi hota hai, green glands bhi hota hai. Theek hai? Malpighian tubules bhi hoti hai. Yes, Malpighian tubules. They are also here in the members. Some of the members, there are also the green glands or the antennal glands, okay, that which are also available for the excretion. Done. Malpighian tubules. Ab yahan se aage badhte jaye, complexity ki taraf jaate jaye, then comes the mammals, okay. Vertebrata mein mammals, mammals have which structure for the excretion? Kidneys, right? So we belong to the last group, that is of mammalia. So these are having the kidneys. In the humans, we have an excretory organ named as kidney, right? In a normal human body, is it necessary that it should have 2 kidneys only? Is it necessary? No. The sum of the human beings, they might have a single kidney since birth. ऐसा भी होता है कि कईयों की बाय बर्थ ओनली एक किडनी होती है, एंड दे आल्सो लिव अ नॉर्मल लाइफ.
ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी हैविंग द टू किडनीज, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव अ सिंगल किडनी एज वेल, बट दैट डिपेंड्स, उसके अंदर उसकी जो रिमूवल होगी वो एक ही किडनी के ऊपर लोडेड होगा, सारा का सारा वर्कआउट जो होगा, बट द पर्सन सर्वाइव्स, राइट. हैविंग टू किडनीज बट लेटर ऑन इट डैमेजेस, इट गेट्स डैमेज बिकॉज ऑफ सम रीजन, हैविंग द टू किडनीज, वन हैज बीन डैमेज प्रॉपरली, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर बॉडी, जिसकी वजह से एक अगर डैमेज किया तो हो सकता है दूसरी के भी अंदर कुछ ना कुछ डैमेजिंग के करेक्टरिस्टिक्स आ जाए, मतलब उसमें भी कोई ना कोई हार्म होना शुरू हो जाए, वो प्रॉब्लमेटिक है. पर शुरुआत से ही बाय बर्थ से अगर एक किडनी सिंगल किडनी चल रहा है, दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, सो वट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अस, दैट इज इन ह्यूमंस, दैट इज द किडनीज, राइट. दीज नेम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वी विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पता है आपको कौन कौन से? हाँ जी, आपको हमने करवाए थे द ऑर्गेनिजम्स, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, दे आर गिवन द कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एज वेल. एनिमेलिया में करवाते हैं, द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक. क्यों, क्या होते हैं यूरिकोटेलिक? जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक. जिनमें वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? यूरिया. उनको क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक. जिनमें अमोनिया होता है, अमोनियोटेलिक, है ना. सो इस तरह से उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स है. बट द वेस्ट प्रोडक्ट्स और द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विच नीड टू बी एलिमिनेटेड, दे ऑल आर द नाइट्रोजनस सोर्सेज, नाइट्रोजन सोर्सेज होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं. ठीक है, ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब क्या है? दीज आर द नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, सो नाउ हाउ दे आर अरेंज्ड विद इन अवर बॉडी, हाउ दिस किडनी इज कनेक्टेड टू द अदर पार्ट्स, व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, हाउ दिस परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, एंड देन हाउ दैट इज बैलेंस्ड. आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि यूरिन फॉर्मेशन होता है, 3 स्टेप्स है, वही सेम स्टेप्स है, लेकिन अब थोड़ा सा इलैबोरेटेड. ठीक है, लेकिन वहां पे हमने ये नहीं पढ़ा था कि उसमें जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो बैलेंस कैसे होती, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे. काउंटर करंट मैकेनिज्म वो भी करवाएंगे. सो ऑल दीज टॉपिक्स विल बी जस्ट इन द रेगुलेशन, भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. एवरीथिंग इज न्यू टू यू, ओनली वन थिंग इज नॉट न्यू, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, बाकी सब कुछ नया है आपको, और ये चैप्टर पूरा पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. सो विल कंटिन्यू दिस ऑन थर्सडे, राइट. विल स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, विल बी स्टार्टिंग विद द डायग्राम्स ऑफ दिस. ठीक है, द डायग्राम्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी एंड नेफ्रॉन, सीधे पहले ये आएंगे, बाकी बाद में डिस्क्रिप्शंस करेंगे. ठीक है, सो विल स्टार्ट ऑन थर्सडे. टुमारो यू आर हैविंग द रिटन टेस्ट, डू प्रिपेयर फॉर इट वेरी वेल, एंड बोथ द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, बच्चे प्लीज लिसन, यू कैन गेट बोथ द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इन योर टेस्ट, एमसीक्यूज एज वेल एज सब्जेक्टिव, बिकॉज सीबीएसई हैज नॉट फुल एंड फाइनलाइज्ड दैट दिस इज गोइंग टू बी ओनली अ सब्जेक्टिव पेपर. ठीक है, सो इट कैन बी एन ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी अ सब्जेक्टिव. अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसे PT1 हुआ आपका, सॉरी ये PT2 हुआ. ठीक है, तो कल्ला सब्जेक्टिव भी हो, कल्ला ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, कल्ला सब्जेक्टिव भी हो सकता है. सो कल वाले टेस्ट में आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, डन. ठीक है, हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क?